उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बरसात के चलते यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से गाड़ियां दब चुकी हैं। इसके साथ ही स्कूलों में मलबा जमा होने के कारण बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बरसात की चेतावनी जाहिर की है, जिसके साथ SDRF और फायर ब्रिगेड की टीमों को तैनात करने के आदेश दे दिए गए हैं। बात राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर की करें तो यहां पर लगातार भारी बरसात जारी है। जोधपुर में बरसात के तेज बहाव के कारण एक बाइक और स्कूटी सवार बह गए। यहां 2 घंटे में 66.8 mm बरसात दर्ज की गई है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में एक बार फिर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हिमाचल में भी आज भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। ओडिशा के 15 जिलों में अगले 24 घंटों तक भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुरम, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल में बरसात होगी। आपको बता दें कि पूरे देश भर के 22 राज्यों के 235 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें 10,000 मकान तबाह हो चुके हैं। बाढ़ के चलते 2.50 लाख हेक्टर फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं मरने वाले लोगों की संख्या भी अब बढ़ चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा के 6 जिले पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र व करनाल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बरसात होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में घग्गर पर बने चांदपुरा बांध के तटबंध में आई दरार को भरने को लेकर पंजाब और हरियाणा में विवाद बढ़ने लगा है। तालमेल के अभाव तटबंध टूटने के बाद मानसा जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पंजाब ने आरोप लगाया कि तटबंध भरने से हरियाणा ने रोका और अधिकारियों को वापस लौटा दिया गया। यदि तटबंध को समय पर भरने दिया जाता तो ये नुकसान ना होता। आपको बता दें कि पंजाब के मानसा व हरियाणा के फतेहाबाद जिले की सीमा पर घग्गर नदी पर चांदपुरा बांध स्थित है। बांध हरियाणा के भू क्षेत्र में है और इनके प्रबंध की जिम्मेवारी भी हरियाणा की है, लेकिन इस बांध पर बने तटबंध के टूटे जाने से नुकसान पंजाब का ही होता है। इस बार पंजाब व हरियाणा में आपसी तालमेल के अभाव के कारण तटबंध टूटने के कारण मानसा जिले के दर्जनों गांवों में पानी भर चुका है। पंजाब के अधिकारियों का ये भी आरोप है कि भारी वर्षा के कारण कई बार हरियाणा के ग्रामीणों द्वारा इसके तटबंधों को तोड़ दिया जाता है, जिससे मानसा के बुडलाड़ा क्षेत्र के गाँव जलमग्न हो जाते हैं। खैर, मौसम विभाग द्वारा लगातार बरसात की जारी चेतावनी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी प्रशासन और सरकारों के साथ आम जन की परेशानियां कम होने वाली नहीं है। लगातार यमुना और घग्गर में बढ़ता जलस्तर लोगों को अब डराने लगा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन और सरकारें इससे निपटने के लिए पूरे प्रबंध करने में जुटी हुई हैं। बावजूद इसके उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है।